सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी हम लोगों ने, और हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे कि व्हाट आर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले तो एक ब्लॉक डायग्राम अपन बना लेते हैं उसका, कंट्रोल सिस्टम का, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमें पता था कि, तो सबसे पहले एक इनपुट होता है, देन एक एरर डिटेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो होता है, आफ्टर दैट एक कंट्रोलर रहेगा, देन कंट्रोल प्रोसेस, और इसको प्लांट भी हम लोग बोलते हैं, और यहां पर अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं तो देन वी हैव टू अप्लाई द फीडबैक। विदाउट फीडबैक एलिमेंट वी कैन नॉट डू ऑटोमेशन इन अवर सिस्टम, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर सिस्टम जब तक कि हमें अपना आउटपुट पता ना हो, आउटपुट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इनपुट के बारे में ना पता हो। सो दिस इज द बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें सबसे पहली बात, इस कंट्रोलर को ही हम लोग एक्चुएटर ही बोलते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको इसका ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हो सकती है, बट सबका काम एक ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज दिस एरर डिटेक्टर, और समटाइम्स वी कॉल इट एज सेंसर। ठीक है, इस सेंसर के बिना हम अपने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। Is the most important part, most important entity of control system. ठीक, तो depending upon the nature of the feedback, the closed loop control system can be of two types. The first one is positive feedback control system. Positive feedback control system, अगर आप बात करेंगे तो वहां पर बेसिकली ये इनपुट और फीडबैक जो आपका सिग्नल आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। एक्चुअली यहां पर एक समर लगा होता है, इसको हम एरर डिटेक्टर भी बोलते हैं, समटाइम्स वी कॉल इट एज समर, इसका सिग्नल ये होता है। तो बेसिकली यहां पर इस पॉइंट पर जो इनपुट है और ये जो आपका फीडबैक सिग्नल है, दिस इज फीडबैक सिग्नल, इन दोनों का ऑपरेट होगा। तो अगर नेगेटिव फीडबैक है तो ये जो सिग्नल है ई ऑफ टी, दिस ई ऑफ टी इक्वल टू इनपुट, इफ आई कॉल इनपुट इज एक्स ऑफ टी एंड दिस फीडबैक सिग्नल इज एफ ऑफ टी, है ना। तो ये जो एरर सिग्नल होगा इट विल गेट एक्स टी माइनस एफ ऑफ टी इफ देयर इज ए नेगेटिव फीडबैक। ठीक, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो दिस ई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी, देन वी विल कॉल इट एज पॉजिटिव फीडबैक। So, depending upon the nature of feedback, it can be of negative feedback control system or positive feedback control system. कि यहाँ पर arithmetic operation कौन सा हो रहा है? Negative वाला अगर arithmetic operation हो रहा है, then it will call it as negative feedback. अगर ये इनके बीच में sum हो रहा है, then we will call it as positive feedback control system. ठीक? So ये तो हमने last class में हम लोगों ने देखा हुआ था। इसके आगे
मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी के बारे में बात की थी, क्या हमने बात की थी स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी के बारे में? यस सर। ओके ओके ओके, चलो। तो स्टेबिलिटी भी हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने सेंसिटिविटी भी देख लिया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर आर टू टर्म्स, द फर्स्ट इज सिग्नल एंड सेकेंड वन इज सिस्टम। ठीक है, आप लोग के पास में तो पूरा एक सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम और वहां आप लोग ये सारी चीजें देख ही रहे होंगे। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट पजेस इंफॉर्मेशन, इज कॉल्ड एज सिग्नल। ऐसा कोई भी एनर्जी का फॉर्म जिसके पास में कोई इंफॉर्मेशन है, वी कैन कॉल इट एज सिग्नल। ठीक, और सिस्टम इज बेसिकली ए मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए सिग्नल फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड। सिस्टम ये कोई भी एक ब्लैक बॉक्स हो सकता है जो कुछ भी काम कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो सिर्फ आपके एक इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कराने वाला कोई। अब इस एंटिटी जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनपुट से आउटपुट डायरेक्टली, सिंपल कुछ डिले के बाद में सिर्फ आपको क्या कहते हैं, आपको सिर्फ ट्रांसफर कर देगा, तो वी कैन कॉल इट एज डिले सिग्नल। क्लास, हाँ सर, क्लास बंद करके आता हूँ। सो आफ्टर बेसिकली, अगर सिंपल एक डिले प्रोवाइड कर रहा है तो डिले प्रोवाइड करने के बाद में भी हम सिस्टम को बोल देंगे कि जनरली ये नॉर्मली एक मेरा एक सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स ओनली द डिले टू द इनपुट सिग्नल एंड दैट बेसिकली कॉल्ड इट एज लीनियर एट टाइम इनवेरिएंट एट टाइम। तो ये सिस्टम बेसिकली एक ऐसी एक ब्लैक बॉक्स एंटिटी है जिसके अंदर कोई भी प्रोसेसर, कोई भी आप सिग्नल को प्रोसेस करा सकते हैं, बट एक इनपुट, जिसके एक इनपुट में एक इनपुट सिग्नल जाएगा और आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ सिग्नल, एक प्रोसेस्ड सिग्नल मिलेगा जिसको हम यहाँ क्या कहेंगे, आउटपुट सिग्नल। तो हमारे इस सब्जेक्ट का जो काम है बेसिकली वो ये काम है कि इस सिस्टम को हमें बेसिकली कंट्रोल करना है, देन वी कैन कॉल इट एज कंट्रोल सिस्टम। तो पूरा जो हमारा काम है, ये सिग्नल वाला जो आपका काम है, ये आप लोग अपने सिग्नल सिस्टम में करेंगे। यहाँ पर मेरा काम यह है कि इस सिस्टम को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, इनके क्या पैरामीटर्स होते हैं, इनके क्या परफॉर्मेंस फीचर्स होते हैं, वी विल सी इट, है ना। हम फर्स्ट यूनिट में जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उसकी बात करेंगे। अभी फर्स्ट यूनिट में जो सबसे पहला जो काम है वो हमें करना है सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, किन किन तरीके से किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। ठीक, तो पहले तो सिस्टम को रिप्रेजेंट करना सीखे, और जब सिस्टम को रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे तब उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें कि उसकी कंट्रोलिंग उसको कैसे की जाए वो देखेंगे। बट सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में वी विल सी दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप, आप दो तरीके से सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, it is in the form of differential equations, we can also do it like as algebraic equation, aur dusra tarika hota hai differential equation bakhubiya hai, आपने देखा होगा जनरली इस तरह की इक्वेशन होती है अलजेब्रिक इक्वेशंस में, आपने देखा होगा लाइक y of t इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ t प्लस x ऑफ t
प्लस फोर, तो ये क्या है बेसिकली? आपके लिए वहां पर सिंपल एक ये एल्जेब्रिक इक्वेशन, बट बेसिकली ये किसी एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपने देखा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरह के इक्वेशन को आपने खूब सारा सॉल्व किया होगा। सो मैथमेटिक्स इज बेसिकली जस्ट अ पैरामीटर, इज जस्ट अ टूल कि आप अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सके, बट बेसिकली ये किसी एक सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये कोई एक सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ओके। बट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में M1 में M2 में M3 में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये देखा हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे दैट द सेकेंड वन इज ग्राफिकल टेक्निक्स, वो हमारा यहाँ का मोटो है, ग्राफिकल टेक्निक्स को देखना। ग्राफिकल टेक्निक्स को हम लोग बेसिकली दो तरीके से हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट वन इज ब्लॉक डायग्राम, एंड द सेकेंड वन इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये दोनों ही आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों 100% यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक हो या जिसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम टेक्निक बोलते हैं या सिग्नल फ्लो ग्राफ हो, यहाँ से 101% एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इम्पोर्टेंट करना है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन एक तरीका, एक थर्ड तरीका भी होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, एक तीसरा तरीका भी होता है, एक होता तरीका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल टेक्निक्स और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जो आपने नेटवर्क एनालिसिस में आपने ये जो आपने जो बेसिकली इस तरह के सिस्टम्स पढ़े थे, दिस इज आर, दिस इज सी, दिस इज वाई ऑफ टी एंड दिस इज एक्स ऑफ टी, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसका आउटपुट है y of t, दिस इज x of t, और ये जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज बेसिकली ए सिस्टम, ये कोई एक सिस्टम है जो एक x of t इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करके आउटपुट में दे रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम, कोई मुझे बता सकता है? यस, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, वेरी गुड, but it is also a system, and what is the properties of the system? It basically eliminates the higher frequencies present in the input signal. Agar input signal ke andar koi high frequencies present agar hongi, that it can eliminate it, and in the output only lower frequencies will be present, and this system is called as low pass filter. So you got the point. हमारे सिस्टम हमारे सामने बहुत पहले से था, नाइन्थ क्लास से हमारे सामने सिस्टम था, बट बात यह थी कि हम जस्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। हमने M1 M2 में भी हमने सिस्टम पढ़ा है, हमने नेटवर्क एनालिसिस में भी हमने सिस्टम पढ़ा है, हमने डीसी हर सब्जेक्ट में सिस्टम है, हर जगह सिस्टम है। ये फैन जो आपके रूम में लगा हुआ है या आपके या आप एक लैपटॉप या मोबाइल से पढ़े, दैट इज ऑल्सो सिस्टम। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम आपके हर सब्जेक्ट में अप्लाई होने वाला है, बशर्ते आप अप्लाई करना जाने। सो दिस इज बेसिकली द सोल ऑफ ऑल योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, आपकी पूरी इंजीनियरिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी ये आत्मा है, ये सब्जेक्ट ये हर जगह मिलेगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोडे प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोग एनालॉग सर्किट्स पढ़ेंगे, तो एनालॉग सर्किट्स में आपको बोडे प्लॉट का आपका बहुत यूज आएगा। अगर मैडम अभी आपको नेगेटिव फीडबैक अगर एम्पलीफायर पढ़ा रही है, तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में आपको बोडे प्लॉट बनाना, बोडे प्लॉट से जब आप रिस्पॉन्स देखेंगे देन इट विल बी वेरी गुड। सो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए आपको बोडे प्लॉट नेक्स्ट, तो ये बात तो समझ में आ गई। सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन अब हमें करना सीखना है। सिस्टम के रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम का, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम।
लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं LTI सिस्टम। अभी यशवंत सर आप लोग को बताएंगे, सर ने अभी सिस्टम्स के बारे में बताना शुरू कर दिया, लीनियर सिस्टम्स और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में सर ने बताया अभी आप लोगों को? एनीवन? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। पहले तो बताता हूँ ये लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, फिर बताता हूँ ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, फिर इनका क्यों मैं इनको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि यही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप पढ़ेंगे तो आप इन्हीं तरह के सिस्टम्स को सबसे ज्यादा यूज आपका रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज लीनियरिटी सिस्टम, व्हाट इज लीनियर सिस्टम? लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो बेसिकली दो तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। एक होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, एंड सेकेंड वन इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं तो लीनियर का बेटा नाम ही लीनियरिटी है। लीनियरिटी पर एक्चुअली इन दो यस यस सपना, दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड एज एडिटिविटी, एंड द सेकेंड वन इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर कोई भी सिस्टम इन दो प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करेगा तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं x ऑफ t में अगर a का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं ये बोलूं कि y ऑफ t, If this is my system, this is x of t and this is y of t. इसको कभी कभी रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं। If x of t है तो एक आउटपुट है y of t, और ये एरो क्या शो कर रहा है? एरो इज बेसिकली ये सिस्टम। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर x of t में आप a का मल्टीप्लाई कराएं तो y of t में भी आपका a में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है? Then we can say that our system follows the additivity homogeneity principle. For example, मेरे पास में एक सिस्टम है x of t equal to y of t. Sorry, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करें y of t equal to x of t. तो अगर x of t में मैं a का मल्टीप्लाई करूं a into x of t, तो y of t की वैल्यू क्या होगी? y of t equal to, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि x of t में मैंने a into x of t का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो y1 of t, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a into x of t, और ये x of t क्या है पहले आपका? y of t, तो क्या हो जाएगा? y1 t equal to a y of follows basically homogeneity principle, ठीक है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपका इनपुट x of t, it can be split into two parts and we can basically represent like this, that x of t equal to x1 of t plus x2 of t. अगर आपका input उसको हम इस तरीके से अगर represent कर सकते हैं x1 t और x2 of t, और मैं ये बोलूं कि x1 of t का output है y1 of t और x2 of t का output है y2 of t, so we can basically represent our output in the form of y of t equal to y1 of t plus y2 of t. If any system follows this additive or superposition principle, then we can say that our system follows the superposition principle. And if your system follows both the principle, that is homogeneity principle and principle, then we can say that the system is our linear system. ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। यशवंत सर का फर्स्ट यूनिट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पे आपको वो ये बताएंगे कि सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लीनियर सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है, स्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक? मेरा यहाँ पर आपको बताने का ये है, बस आपको पता होना चाहिए कि लीनियर सिस्टम्स होते क्या है। सो लीनियर सिस्टम्स आर दो सिस्टम व्हिच फॉलोस द टू प्रिंसिपल्स,
namely that one, first one is homogeneity principle and second one is superposition principle, then we can call it as linear system. Okay, now the second one is time invariant system. टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी समझिएगा मेरी बात. इफ आई हैव माय सिस्टम इज एक्स ऑफ टी एंड द आउटपुट इज वाई ऑफ टी, मेरे ये जो सिस्टम आउटपुट और इनपुट सिस्टम का जो ये बिहेवियर है, ये समय के बदलाव के चेंज से चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब इनके बीच में जो आपस में जो रिलेशन है, उससे मेरे सिस्टम के आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशन है, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड. इस तरह के सिस्टम्स को मैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स कहता हूं. मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना. फिलोसफी समझा रहा हूं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो यशवंत सर बताएंगे. फिर समझो मेरी बात. सर, समय के साथ इनपुट और आउटपुट के रिलेशन में अगर बदलाव नहीं होता है, तो उस तरह के सिस्टम को मैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बोलता हूं. सर, रियल लाइफ एग्जांपल बता दीजिए. सर, रियल लाइफ एग्जांपल है एक बेटे का और उससे माता पिता के संबंध से. अब आजकल तो वो भी वेरिएंट हो गया है, बट अगर एक आइडियल में केस मान के चलूं तो ठीक, एक माँ का और एक बेटे का प्यार जो बचपन से था, वो बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, बट वो रिलेशन सेम रहा. तो एक मदर और एक सन या डॉटर का रिलेशन, या फादर और डॉटर, या कोई भी इनमें कॉम्बिनेशन आप लगा लीजिए, इनका ये जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. समय के साथ में इनके रिलेशन में चेंज नहीं हुआ. अब आप समझ तो गए होंगे अपने आप ही, समझ सारे के सारे समझदार. सर, टाइम वेरिएंट सिस्टम का एग्जांपल क्या है? सर, वेरिएंट टाइम वेरिएंट सिस्टम का अगर मैं बोलूं तो एक फ्रेंड का रिलेशन, दो आपस में फ्रेंड है, आज सर आज दोस्त है, कल दुश्मन हो गए, तो समय के साथ इनके रिलेशन क्या हो गए? चेंज हो गए. समय के साथ इनपुट और आउटपुट के अगर रिलेशन में चेंज आ रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज टाइम वेरिएंट सिस्टम. अगर मैं स्पेसिफिकली अगर एग्जांपल लेने के बारे में मैं अगर बात करूं, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, टेक्निकल एग्जांपल मैं ले देता हूं, दैट माई वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी. माई वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी, दिस इज कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. कैसे? कि अगर मैं इनपुट में अगर मैं टाइम को चेंज कर रहा हूं टी को टी माइनस टी नॉट से, तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ आउटपुट? वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी माइनस टी नॉट. सिंपल, अगर टी को टी माइनस टी नॉट से चेंज कर रहा हूं, तो अभी भी आउटपुट इज ए स्क्वायर ऑफ इनपुट. अभी भी आउटपुट इज ए स्क्वायर ऑफ इनपुट. ठीक है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x ऑफ t इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ, सॉरी y ऑफ t इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ t इंटू t. अब मैं t को t माइनस t नॉट से चेंज करता हूं, then what will be the relation? yt equal to, y of t equal to y of t minus t naught equal to x square t minus t naught, but t minus t naught. ये relation क्या हो गया? x square of t minus t naught into t minus t naught x square of t minus तीनों. तो ये वाला जो टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो क्या रिलेशन सेम है? नो. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज टाइम वेरिएंट सिस्टम. मैं फिर आपको बता रहा हूं,
कि मुझे अगर आपको टाइम वेरियंस और टाइम इनवेरियंस बताना है तो मुझे इसके लिए बहुत डिटेल में आधा घंटा एक घंटा आपको देना पड़ेगा, बट दैट इज दिस टॉपिक इज नॉट द पार्ट ऑफ माई सिलेबस, इसीलिए जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो परेशान मत होना, यशवंत सर इसको बहुत ही डिटेल में आप लोग के सिग्नल सेल सिस्टम वाले सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, ओके। बट आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट इज टाइम वेरिएंट और व्हाट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, व्हाट इज लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर। ये तो मेरी बात रही, बट मेरा पॉइंट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, व्हाई एलटीआई सिस्टम, व्हाई एलटीआई, व्हाई इज दिस सो मच रेलेवेंस। अगर आपके पास में कोई सिग्नल सिस्टम की बुक हो या आपके पास में कोई कंट्रोल सिस्टम की बुक हो तो आपने देखा होगा कि सर पूरा का पूरा चैप्टर रहता है एलटीआई सिस्टम के बारे में। कल को आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे और भी आप लोग जब फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर में आके जाते हैं, जब आप एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ोगे देन यू विल सी दैट दिस एलटीआई टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दिस, वेट अ मिनट, एक मिनट, हाँ सर, हाँ जी, क्या कहते हैं गुप्ता जी, कौन कौन क्या कहते हैं, किस में काम करते हैं सर गुप्ता सर? अच्छा अच्छा, तो वो सर एक पांच की एक एक फिफ्थ फ्लोर पे सर वो हुआ है, एक मकान खाली है उस पर, हाँ छत पर एक खाली हुआ है और ये अप्रैल एंड में क्या कहते हैं एक फर्स्ट फ्लोर पे, मेरे वाले फ्लोर पर भी खाली हो रहा है, हाँ अप्रैल में खाली हो रहा है। वो जो मेरे बगल में रहते थे ना, वो बगल में डॉक्टर साहब थे, तो वो अपना खाली कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे है और एक फाइनल फ्लोर पे है, वो ऑलरेडी खाली हो चुका है रेंट, लेकिन उसने बढ़ा दिया रेंट, उसने 9000 कर दिया है सर, हाँ। तो वो आप उनको बता दीजिएगा, लेना चाहते बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सर, ठीक, ओके ओके, ठीक है। So the main reason behind the so much important in this LTI system is we can calculate the output. We can just calculation easy हो जाता है सर, क्यों प्रिंस? चलो बताओ, अब पहले उसने आंसर किया तो प्रिंस से मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, why प्रिंस calculation easy क्यों हो जाता है? अरे ऐसा पढ़ा था, कहाँ? सब बुक में। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो इस एलटीआई सिस्टम के साथ में, एक लीनियर सिस्टम के साथ में और एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के साथ में, जो एक सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो ये, ठीक, अगर आपके पास में कोई एक जनरल सिस्टम है जिसमें एक इनपुट लगाया जा रहा है और एक आउटपुट है, और मैं मैथमेटिकल टर्म से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, तो इस सिस्टम को भी मैथमेटिकल एंटिटी में दे देता हूँ, दैट इज एच ऑफ टी। ये इस व्हाट इज दिस एच ऑफ टी, इस ये एच ऑफ टी बेसिकली सिस्टम को रिप्रेजेंट एक रिप्रेजेंटेशन है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम नॉन लीनियर रहेगा, अगर आपका सिस्टम टाइम वेरिएंट रहेगा, तो आप जज नहीं कर सकते कि आपका आउटपुट क्या होगा प्रेजेंट में रहकर। क्या आप मुझे बता सकते हो आज कि जैसे कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है? आप अगर टी इक्वल टू जीरो सेकंड पर खड़े हुए, आप आज के समय पर खड़े होकर आप मुझे बता सकते हो एक साल के बाद आपके साथ में क्या होने वाला है? व्हाट एवर यू आर प्लानिंग, बट आपके साथ एक्चुअल में क्या होने वाला है यू कैन नॉट जज इट, बिकॉज यू आर ए नॉन लीनियर सिस्टम। तुम कभी भी कुछ भी काम कर सकते हो, तुम्हारी कोई ट्रेजेक्ट्री नहीं है। तो अगर कोई एक नॉन लीनियर सिस्टम्स होते हैं, उनके आउटपुट को जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, उनको हम नहीं जज कर सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट। अगर एक टाइम वेरियर सिस्टम जो समय के साथ बदल जाता है, कहते हैं ना कि सर ये बहुत ही रंग बदलने वाला इंसान है, क्रिकेट की तरह इंसान है, आज मेरा दोस्त है कल मेरा दुश्मन हो जाए, क्या उसका पता है कि वो अगले वाले स्टेप? सो अगर टाइम वेरियर सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम है, वी कैन नॉट जज द आउटपुट बाई by applying the input, but in linear and time invariant system you can basically calculate the output of your system by a mathematical parameter known as, by a mathematical calculator known as convolution. ek term hota hai mathematics mein convolution, I think m2 or m3 mein shayad aap logon ne convolution nikala bhi ho,
वो कॉन्वोल्यूशन की मदद से अगर आपके पास में एक लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो आप अपने इनपुट और सिस्टम की प्रॉपर्टीज की मदद से आउटपुट को एवेल्यूएट कर सकते हो एंड वी कैन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट योर आउटपुट इज एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टी. दिस इज नोन एज कॉन्वोल्यूशन. You got my point? Everyone? मेरी बात समझ में आ रही है? But why is this linear and time invariant is very important? ये क्यों इतना important है? ये इसीलिए इतना important है क्योंकि हम input और आपके system properties के application की मदद से output को निकाल सकते हैं. But we cannot do that for non-linear system or time variant systems. Okay? Yes or no? क्लियर है बात सभी को? यस ओके. दिस कॉन्वोल्यूशन इज नथिंग बट ये जो कॉन्वोल्यूशन होता है ये बेसिकली एक तरह का स्पेशल मल्टीप्लीकेशन होता है. अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अभी तक जो मैथमेटिक्स पढ़ी उसका यूज क्या था. अभी समझ में आने वाला है. अभी सब चीज समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना. ये जो कॉन्वोल्यूशन होता है ये स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन तक आप लोगों ने M2 M3 में कॉन्वोल्यूशन निकाला होगा यार, डेफिनेटली मैथमेटिक्स में. ये बिल्कुल एक सब्जेक्ट होगा, आपका एक चैप्टर होगा कॉन्वोल्यूशन का, था या नहीं? अरे कॉन्वोल्यूशन था या नहीं? यस और नो सर? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? हाँ सर, लैपलास में पढ़े थे. लाप्लास में तो पढ़े हो गए यार, लेकिन उसमें भी होता है. मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने निकाला होगा. चलो नहीं निकाला, चलो कोई बात नहीं. हम लोगों ने पढ़ा था M2 में, हमें याद, मुझे याद है हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन शायद उस वक्त हमने उठा दिया सिलेबस में से. चलो कोई बात नहीं. सो दिस कॉन्वोल्यूशन इज बेसिकली ए स्पेशल स्पेशल मल्टीप्लीकेशन जिसमें पहले तो मल्टीप्लीकेशन होता है एंड देन इंटीग्रेशन होता है. तो अगर मैं इस कॉन्वोल्यूशन को ओपन करूं, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, देन y of t equal to minus infinite से infinite x of tau h of t minus tau into d tau. ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा. दिस इज बेसिकली कॉन्वोल्यूशन ऑफ x of t एंड h of t. तो पहले तो क्या हो रहा है, ये एक मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एंड पूरे का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन. सो देन दिस कॉन्वोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पेशल मल्टीप्लीकेशन पैरामीटर. ओके तो सर ये देखने पे जितना आसान लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये इतना आसान सर नहीं रहेगा. अगर मेरे x ऑफ t और अगर मेरा x of t equal to t है और h of t अगर मेरा sin t है, तो ये t into sin t का मल्टीप्लीकेशन करके और फिर इंटीग्रेशन करके ठीक है सर, इजी है सर, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. वी कैन वी विल यूज द एलेट थ्योरम, बट वो भी सर इतना इजी नहीं है सर जितना इजी मल्टीप्लीकेशन रहता है. अगर ये t उठाकर ये t cube e की पावर माइनस x और ये sin of t के साथ में मैंने t square into e की पावर माइनस t plus cos of t कर दूं, तो आप समझ रहे हैं कि इसका ये मल्टीप्लीकेशन करके फिर इसका इंटीग्रेशन करके इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो कि कॉन्वोल्यूशन की मदद से मैं निकाल सकता था सर, लेकिन जैसे जैसे मेरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा इट विल नॉट बी सर एज इजी एज we are talking about right now. फिर क्या करें सर? उसके बाद में कुछ सालों के बाद में एक महान साइंटिस्ट ने जन्म लिया और उस साइंटिस्ट का नाम था लाप्लास. उन साइंटिस्ट ने एक थ्योरम जनरेट करी जिसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास थ्योरम.
उन्होंने ये कहा कि ये जो तुम्हारी मेहनत है, कॉन्वोल्यूशन वाली मेहनत है, इसको मैं इजी कर सकता हूं, इसको बहुत इजी मैं कर सकता हूं कि बट उसकी कंडीशन ये है कि जो तुम आ रहे ये इनपुट में जो सिग्नल्स हैं, जो टाइम डोमेन में तो तुम यूज कर रहे हो, इनको तुम फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लो। अगर x ऑफ t को तुम x ऑफ s में कन्वर्ट कर लो, y ऑफ t को तुम y ऑफ s में कन्वर्ट कर लो, दिस व्हाट इज दिस s, s इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा, दिस इज बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी पैरामीटर x of s plus y of s, ये sigma plus j omega, जो मैं j omega के बारे में तुम्हें इतना discuss करवाऊंगा, इतना बता दूंगा कि तुम्हें इसकी पूरी रामकहानी पता पड़ जाए कि भी आने वाले समय में, ठीक है? अगर तुम ये तुम चीज कर लो, x of t को convert x of s में कर लो, y of t को convert y of s में कर लो, तो this x of t convolution of y of t, ये मेरी रामकहानी में it will simple मेरी दुनिया में ये कॉन्वोल्यूशन को मैं कन्वर्ट करके एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो अभी आपका अगर ये जो सिस्टम था, दिस इज एच ऑफ टी, दिस एक्स ऑफ टी, दिस वाई ऑफ टी, ये जो एल टी आई सिस्टम था आपका, तो आपने यहां देखा था कि सर वाई ऑफ टी की जो वैल्यू थी x of t convolution of h of t, ये लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट हो गया x of s into h of s। तो ये जो तुम m2 m3 सिग्नल सिस्टम में ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ती हो ना, जो भी तुमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, उसका जो वजूद है, उसकी जो वजह है, वो सिर्फ ये वजह है कि मेरा जो कॉन्वोल्यूशन है वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब मल्टीप्लीकेशन में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x of t, y of t को x of s, y of s करना पड़ेगा। इसके लिए तुम लोग पढ़ते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एक बार तुमने उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, देन द होल थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल मल्टीप्लीकेशन। यू गॉट द पॉइंट? यस और नो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. Okay. तो ये सब कहानी बताने का जो पर्पस था वो ये कि अब सर मैं अपने पूरे कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को अभी चक्कर क्या है, मेरे पास में एक इनपुट है, एक मेरे पास में आउटपुट है, बट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अगर सिस्टम को मैं, फॉर एग्जांपल, समटाइम्स आई कैन कॉल इट एज जी ऑफ टी, अगर सिस्टम को मैं जी ऑफ टी बोलता हूं, तो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बस मुझे ये पता है कि अगर मेरा सिस्टम एल टी आई सिस्टम है तो वाई ऑफ टी इक्वल टू होगा एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ जी ऑफ टी। अब इस g of t को यहां से कैसे लेके जाऊं, तो लाप्लास ने ये कहा कि आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो y of s equal to x of s into g of s। यहां से मैं g of s बता सकता हूं, g of s is y of s upon x of s। This g of s is called as transfer function of the system। एक सिस्टम, अब आज के बाद मुझे अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज को चेक करना है, सिस्टम के बिहेवियर को चेक करना है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना है, देन आई मस्ट हैव ए सिस्टम पैरामीटर। दैट सिस्टम पैरामीटर इन टाइम डोमेन इज कॉल्ड एज इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। दैट सिस्टम पैरामीटर इन लाप्लास डोमेन इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। मैं अपने कंट्रोल सिस्टम में लाप्लास डोमेन में आपको बताऊंगा तो ये मैं उसको बोलूंगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। यशवंत सर आपको सेकेंड यूनिट जब पढ़ाएंगे सिस्टम के बारे में, जब बताएंगे तो वो टाइम डोमेन में पढ़ाएंगे, देन ही विल कॉल इट एज इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम को हम डिफाइन कर लेते हैं।
The transfer function, just wait a minute. Transfer function of an LTI system is very very important. ये सारी कहानी LTI system पे define होगी. LTI system नहीं होगा तो convolution नहीं होगा तो Laplace transform नहीं होगा, Laplace transform नहीं होगा तो multiplication नहीं होगा तो ये g of s equal to y of s upon x of s का relation नहीं आएगा. तो ट्रांसफर फंक्शन को जब भी डिसाइड डिफाइन करोगे तो एलटीआई सिस्टम जरूर लिखना. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलटीएन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू Laplace transform of input under all initial conditions kept zero. ये all initial conditions kept zero का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर बाद अभी समझ जाओ. ये एक दो लेक्चर जैसे ही पढ़ोगे तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इनिशियल कंडीशंस को मैं जीरो क्यों बोल रहा हूं. ठीक है, आई होप ये चीज तो सभी को समझ में आ गई होगी अच्छे से कि व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन और व्हाट इज दिस कॉन्वोल्यूशन एलटीए सिस्टम. मैंने ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली है. तो अब मैं अगर आपसे आगे ये कहूंगा कि भाई सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करो, अगर आप सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आप एक सिस्टम का पैरामीटर निकालोगे. अब सिस्टम का पैरामीटर निकालने के लिए तो मैंने आपको एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बता दिया है. देन दैट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन. सो फ्रॉम हियर मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि आप सिस्टम को डिफाइन करेंगे देन आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. तो इसके साथ नाउ वी विल स्टार्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम्स. ठीक है, अब यहां से क्या शुरू होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम है सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट इज ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो हमें याद रखनी पड़ेगी तभी हम ब्लॉक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और जनरली ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स का ब्लॉक डायग्राम देगा, बोलेगा कि इसको आप प्रोडक्ट मतलब इसका रिड्यूस फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में आप बताइए. और जैसे ही आपको सिंपलर फॉर्म में आपको प्रोडक्ट ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा तो आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोलेगा. या ऐसा हो सकता है कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम दे देगा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और आपसे ये कहेगा कि इस ब्लॉक डायग्राम का आप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिफाइन करिए. ठीक है, तो वो अपन देखते हैं कैसे अपन करेंगे, धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो अपन को चीज समझ में आएगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. The first property is open loop control system. ठीक है, open loop control system आपको पता था कि उसमें सिर्फ एक प्लांट होता था, कोई फीडबैक नहीं होता था. ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा सारा प्रोसेस लाप्लास डोमेन में चलेगा. ठीक है,
तो एक इनपुट है, मैंने जिसको बोल रेफरेंस इनपुट है जिसको मैं आर ऑफ एस बोल रहा हूँ, एक मेरा कंट्रोल्ड आउटपुट है जिसको सी ऑफ एस बोल रहा हूँ, और इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज कॉल्ड जी ऑफ एस। तो आपको पता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जी ऑफ एस निकाल सकते हैं। जी ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया ना कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम, ठीक। तो अगर आपको किसी आज के बाद अगर कोई ओवरलुक कंट्रोल सिस्टम बोला और आपसे वो ये कहता है कि बताइए इस ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम पर क्या होगा, जो बेसिक ब्लॉक है ना दैट इज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा इस तरीके से, ये मेरा एक ब्लॉक है जी ऑफ एस, दिस इज सी ऑफ एस, एक इनपुट होगा आर ऑफ एस, ठीक। मुझे एक फीडबैक लगाना पड़ेगा, अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाना है तो मैं इसका फीडबैक एलिमेंट को मान लेता हूं एच ऑफ एस। अब फीडबैक एलिमेंट के लिए यहां पर एक सेंसर लगाना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्लॉक देखा था, तो इसको मैं रेज कर देता हूं यहां पर। यहां पर मेरा एक एरर डिटेक्टर लग जाएगा, मैं नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आपको पता है सर कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम कभी क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट अपॉन टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो क्या है, मैं यहां पर सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस को डायरेक्टली जी ऑफ एस कह सकता हूं? नो सर। आप अगर ये एच ऑफ एस नहीं होता, यहां पर ये सब चीजें नहीं हो रही, देन आई कैन कॉल इट एज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज जी ऑफ एस। बट यहां पर एक और ब्रांच जा रही है, एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज एच ऑफ एस, जिसको हम फीडबैक पाथ बोल रहे हैं। नाउ वी कैन नॉट सिंपली से दैट किसी नहीं, सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज जी ऑफ एस। तो यहां पर हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा, और किस तरीके से एवेल्यूएट करना होगा, बहुत इजी तरीके से हो जाता है, देख लेते हैं। सर आर ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं सर? फीडबैक को ऐड कर देंगे इनपुट में, आर ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस, अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो आर ऑफ एच ऑफ एस नहीं होगा बेटा, ये जो सिग्नल यहां पर एच ऑफ एस है उसका गेन है, बेसिकली सिस्टम की प्रॉपर्टी है। एच ऑफ एस यहां पर बेसिकली सिग्नल नहीं है, सिग्नल तो मैं भी बना रहा हूं, देखो अभी देखो समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं कि इस एरर सिग्नल को मैं मान लेता हूं ई ऑफ एस, एक मिनट पेन को चेंज कर लेता हूं, दिस इज E of S, ये मेरा हो गया एरर सिग्नल। इस फीडबैक सिग्नल को मैं मान लेता हूं B of S, C of S, तो मेरा क्या हो गया, मेरा कंट्रोल आउटपुट हो गया, ठीक है। ये जो C of S मेरा कंट्रोल आउटपुट हो गया, R of S मेरा क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो मेरे यहां पे जो हो गया R of S है मेरा रेफरेंस इनपुट, इसे कंफ्यूजन ना हो। E of S है एरर सिग्नल, बी ऑफ एस है फीडबैक सिग्नल। देखो ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा ना, वो सिग्नल्स का होगा, ना कि इस सिस्टम के एंटिटी का। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम पर उस सिस्टम की पैरामीटर क्या है, जी ऑफ एस। ये एक सिस्टम है जिसका पैरामीटर क्या है, एच ऑफ एस, ठीक है। ये कोई सिग्नल नहीं है, ये उसका पैरामीटर है, उसका ट्रांसफर फंक्शन है, उसकी एंटिटी है, ठीक है। तो ये और ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा, सिग्नल का होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। ओके, एंड सी ऑफ एस है मेरा कंट्रोल आउटपुट। अब हम एवेल्युएट करेंगे, बहुत इजीली एवेल्युएट हो जाएगा, इसमें मुझे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है।
अगर आप लोग को याद हो, एक मिनट, अगर आप लोग को ये इस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखो, इस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में व्हाट इज जी ऑफ एस, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ठीक है। तो यहां से सी ऑफ एस कैसे निकालोगे, सी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। मतलब सर अगर मुझे किसी भी ब्लॉक का या किसी भी सिस्टम का या किसी भी एक छोटे से ब्लॉक का मुझे अगर आउटपुट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं सर ऐसे निकालूंगा कि जो इनकमिंग सिग्नल है दैट इज आर ऑफ एस और ये जो ब्लॉक का जो गेन है, ब्लॉक का जो पैरामीटर दैट इज जी ऑफ एस, उसका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर सी ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस हो जाएगी। पहले ये बात बताओ, ये बात सभी को समझ में आई, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट, अरे कमेंट करो जल्दी से, यस चलो ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे की बात भी समझ में आ जाएगी, ठीक। तो अब मुझे क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, ठीक। तो अब सबसे पहले तुम मुझे बताओ, यहां पर सभी लोग ध्यान से सब लोग देखना, ठीक है, और मेरे साथ सॉल्व भी करते चलना, ठीक। ये क्या है, मेरा सी ऑफ एस है, यहां पर भी मेरा क्या है सी ऑफ एस, यही की ब्रांच आ रही है सी ऑफ एस में। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ऑफ एस, सर सी ऑफ एस के सामने सर ये जी ऑफ एस वाला ब्लॉक है, ये जी ऑफ एस वाला ब्लॉक है, इस जी ऑफ एस वाले ब्लॉक की इनकमिंग सिग्नल क्या है, ई ऑफ एस। तो मैं सी ऑफ एस को कह सकता हूं जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस, यहाँ पे आर ऑफ एस तो है नहीं क्योंकि सर एक फीडबैक पाथ है, अगर ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था तो मैं जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस कह सकता था, बट यहाँ तो नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल क्या है, ई ऑफ एस दैट इज एरर सिग्नल। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एस, E of S equal to, sir, ये जो दो सिग्नल से R of S और B of S इनका सब्ट्रैक्शन, तो E of S equal to R of S minus B of S, हो रही है वो तो दिया है मैंने, E of S equal to R of S minus B of S, ठीक। अब इस B of S की वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बताओ, अच्छा ठीक है चलो एक चीज मुझे बताओ, ये जो एच ऑफ एस है, ये जो एच ऑफ एस है इसमें आउटगोइंग सिग्नल कौन सा, इनकमिंग सिग्नल कौन सा है, आपको एरो देख के पहचानना है, फीडबैक जा रहा है यहां से यहां की तरफ, तो बी एस आउटगोइंग है, सी एस इनकमिंग है, बी ऑफ एस आउटपुट है और सी ऑफ एस आपका इनकमिंग सिग्नल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ऑफ एस, बी ऑफ एस की वैल्यू होगी एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये बी ऑफ एस की वैल्यू रख दो आप यहां पर, ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, ये कहां से इक्वेशन आ गई, फ्रॉम सेकेंड एंड एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, ये जो आपकी इक्वेशन है ई ऑफ एस की, ये जो इक्वेशन आ गई ये आप फर्स्ट में रख दो या फर्स्ट में रख दोगे, एक बार देख लेते हैं क्या इक्वेशन है, हाँ सी ऑफ एस इक्वल टू है आपका जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस, तो ई ऑफ एस की इक्वेशन रख दो, सी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू वैल्यू ई ऑफ एस की क्या है, आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस। अब ये सी ऑफ एस एक साइड ले जाओ तो सी ऑफ एस, ठीक है, प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विद एच ऑफ एस, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, यहां से सी ऑफ एस को कॉमन ले लो, सी ऑफ एस इक्वल टू सी ऑफ एस मल्टीप्लाई, मतलब इसको मैंने ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यहां से क्या होगा जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, आर ऑफ एस को यहां ले आओ, इस पूरे को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो आपका ट्रांसफर फंक्शन है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं
कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम CLCS मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए. ये किसके लिए है? नेगेटिव फीडबैक के लिए. ठीक है, अगर पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा तो आप देखो ध्यान से, पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा तो ये माइनस की जगह, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है इसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस. तो ये ई ऑफ एस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर ऑफ एस प्लस बी ऑफ एस. ठीक है, तो ये जो माइनस वाला रिलेशन है ये किसमें आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा. ये फिर जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर मैं ये कहूं कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद पॉजिटिव फीडबैक तो क्या होगा? जी ऑफ एस अपॉन वन माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ये आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है. नेगेटिव फीडबैक के लिए डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव फीडबैक के लिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है. ठीक है, गॉट द पॉइंट? ये सभी को सामने आ गया. तो आने वाले समय में मेरे पास में अगर कंट्रोल सिस्टम है और वो नेगेटिव फीडबैक है, कंट्रोल सिस्टम है और वो नेगेटिव फीडबैक है, तो आपको फिर से पूरा ये एवेल्यूएट करने की जरूरत नहीं है. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. मैं अगर आपको इस तरह का सिस्टम दे रहा हूं देन मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली बोल देना है सर जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस इफ देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक. इफ देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक देन इट इज अ जी ऑफ एस अपॉन वन माइनस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस. आई होप दिस इज क्लियर. ये जो आज जो हमने ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन मस्ट रिमेंबर दैट. आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. इसके आगे हम लोग अपने आने कल की क्लास में हम लोग ब्लॉक डायग्राम की हम लोग और जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देखेंगे एक एक करके. इजी इजी प्रिंसिपल्स रहते हैं उनको देखेंगे, फिर कुछ दो तीन अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो एक बार इसका रिविजन कर लेना सभी लोग, और फिर आगे के जो 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 पॉइंट्स हैं उनको हम लोग अपने कल की क्लास में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. Okay. Can noise be is considered as a signal? Definitely, Sapna. Noise is a signal. Or noise is such an important signal that plays a very crucial role in communication system. Or sometimes it is called as unwanted signal, but sometimes it is also called as wanted signal. आप लोग oscillators के बारे में पढ़ेंगे. What is oscillator? Oscillator is basically a amplifier without any input signal. वहाँ पे फिर input किस क्या क्या का हम लोग क्या use करते हैं? Noise signal use करते हैं. But noise is a sub signal. और generally इसको unwanted signal बोलते हैं क्योंकि ये हमारे signal में error cause करता है. But इसको avoid नहीं कर सकते. Low frequency में तो भी avoid कर सकते हैं. But high frequencies में तो ये present होते ही होते हैं. And there can be different type of noises. White signal noise, Gaussian noise. तो सपना ये जब तुम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे तो वन नॉइज के बारे में बहुत डिटेल करोगे. बट या द आंसर इज यस. ओके चलो, है ना, फिर कल की क्लास में आप लोग देखते हैं. थैंक यू सर. ओके बेटा, ओके थैंक यू.